हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्काइफोजोआ इज ऑप्शन ए कैटफिश, ऑप्शन बी जेलीफिश, ऑप्शन सी सिल्वर फिश, ऑप्शन डी कटल फिश। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है क्लासेस ऑफ नाइडेरिया। नाइडेरिया इज अ फाइलम जिसको सीलेंट्रेटा भी कहते हैं, और यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनका बॉडी फॉर्म दो तरह का हो सकता है, या तो पॉलिप या मेड्यूसा। सो लेट्स सी द क्लासेस। यहाँ दो क्लासेस सो लेट्स सी द क्लासेस। यहाँ बेसिकली चार क्लासेस हैं। द फर्स्ट वन इज एंथोजोआ। एंथोजोआ क्लास को नॉर्मली बोला जाता है फ्लावर एनिमल्स। नाउ व्हाई आर दीज कॉल्ड फ्लावर एनिमल्स? बिकॉज दीज इंक्लूड नॉर्मली सी एनिमोन्स, और इनका जो बॉडी टाइप होता है दैट इज पॉलिप टाइप, और ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं और माउथ के पास ढेर सारे टेंटिकल्स होते हैं विच गिव्स अ फ्लावर लाइक अपियरेंस, इसलिए इनको बोलते हैं फ्लावर एनिमल्स। देन द सेकेंड क्लास इज स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ इंक्लूड्स जेलीफिशेस, और यहाँ पर वो जेलीफिशेस होती हैं जो कि बेल शेप्ड होती हैं, और जेलीफिशेस का बॉडी टाइप होता है मेड्यूसा, और इसलिए इनको नॉर्मली बोला जाता है कप एनिमल्स। देन द थर्ड क्लास इज क्यूबोजोआ। क्यूबोजोआ में भी जेलीफिशेस ही इंक्लूडेड हैं, बट ये जेलीफिशेस बॉक्स शेप की होती हैं, और इसी बॉक्स शेप की वजह से इसको बोलते हैं क्यूबोजोआ। एंड क्योंकि इसमें भी जेलीफिशेस ही होती हैं तो इसका भी बेसिक बॉडी टाइप होता है मेड्यूसा। नाउ टॉकिंग अबाउट द फोर्थ क्लास दैट इज हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ एज अ क्लास इंक्लूड्स बोथ पॉलिप एंड मेड्यूसा। एंड यहाँ पर कई तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। ओवर 3200 स्पीशीज हैं यहाँ पर। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रा और फाइसेलिया। देन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पूछा है कि स्काइफोजोआ का एग्जाम्पल क्या है। कैटफिश इज नॉट अ स्काइफोजोआ, कैटफिश इज अ फिश। सो ये ऑप्शन इज रॉन्ग। जेलीफिश इज अ स्काइफोजोआ, सिल्वर फिश इज एन आर्थ्रोपॉड, कटल फिश इज अ मलस्क। सो द करेक्ट आंसर वुड बी बी जेलीफिश। होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन वेल। बेस्ट ऑफ लक।